नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें कि लाल कृष्ण अडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर दी बधाई, 96 साल के अडवाणी होंगे सम्मानित। आपको बता दें कि सीएम योगी ने एक्स पर बधाई भी दी है, 96 साल के अडवाणी होंगे सम्मानित। भारत रत्न से सम्मानित करना उनके प्रयासों को सम्मान देना, उनका अथक प्रयास अद्वितीय प्रेरणा का स्रोत। बड़ी खबर, भारत रत्न से सम्मानित होंगे लाल कृष्ण अडवाणी। बड़ी खबर इस वक्त की, लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दी है और 96 साल के अडवाणी होंगे सम्मानित। भारत रत्न से सम्मानित करना उनके प्रयासों को सम्मान करना है, उनका अथक प्रयास अद्वितीय प्रेरणा स्रोत है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई भी दी है और 96 साल के हैं लाल कृष्ण अडवाणी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लालकृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर निर्णय लिया गया है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। और उन्होंने एक्स के माध्यम से उन्हें सार्वजनिक जीवन में दशकों की सेवा, प्रतिबद्धता और राष्ट्र की अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्ध और राजनीतिक जीवन में नैतिकता में उच्च मानक करने पर उन्हें अद्वितीय प्रयासों को लेकर सम्मान करने वाला है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लालकृष्ण अडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बधाई भी दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी को भी भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आपको बता दें कि एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय लालकृष्ण अडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई है और साथ ही अडवाणी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे। देश के उप प्रधानमंत्री जैसे कई संवैधानिक दायित्वों पर रहते हुए उन्होंने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। लालकृष्ण अडवाणी को भारतीय राजनीति में प्रामाणिकता के मानक तय करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर बधाई दी थी, तो वहीं अब अमित शाह ने भी 96 के लालकृष्ण अडवाणी को भी भारत रत्न मिलने पर शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। आप ट्वीट भी देख सकते हैं, उन्होंने एक्स के माध्यम से ट्वीट करते हुए अमित शाह ने भी लालकृष्ण अडवाणी को बधाई दी है। लालकृष्ण अडवाणी को भारत रत्न मिलेगा, जिसको लेकर अब अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और उन्हें बधाई भी दी है और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लालकृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अडवाणी जी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। देश के उप प्रधानमंत्री जैसे कई संवैधानिक दायित्वों को भी उन्होंने काफी अच्छे से संभाला है। संबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दरअसल आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि संभलपुर की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं और शिलान्यास का उद्घाटन करते हुए रिबन काटते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि संभलपुर की हैं, जहां पर कई परियोजनाओं और शिलान्यास उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। और साथ ही ये तस्वीरें अपने आप में अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कई लोग नजर भी आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पहले उन्होंने रिबन काटा, उसके बाद में जो भी परियोजनाएं हैं उनको उनके विषय में भी विस्तृत से समझते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबलपुर में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि बात करें कन्नौज की, तो यहां पर 352 करोड़ की लागत से 59 लाख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं मातृशक्ति का सम्मान कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। प्रकाश पाल जी, जिलाध्यक्ष श्री वीर सिंह भदौरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री रामचंद्र कन्नौजिया जी, माननीय विधायक श्रीमती पूनम संकवार जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, भारी संख्या में आज कन्नौज में यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज यहां पर हम लोग यहां के वरिष्ठ समाजसेवी, उद्योग व्यापार के साथ साथ राष्ट्रवादी मिशन के साथ जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी पंचम पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जी को उनकी सेवा के लिए, उनकी साधना के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं श्री सुब्रत पाठक जी और श्री असीम अरुण जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और विधान परिषद के हमारे निवर्तमान सदस्य श्री बनवारीलाल दोहरे जी के मृत्यु के उपरांत उनके परिवार जनों के साथ संपर्क और संवाद बनाने और आज उनसे मेरी मुलाकात करवाने और वहां तक मुझे जाने का अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय बनवारीलाल दोहरे जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भैया बहनों, आज जब कन्नौज में आए हैं तो कन्नौज का तो अपना इतिहास रहा है। महाराजा हर्षवर्धन अपनी दान वीरता के लिए जाने जाते थे और प्रयागराज कुंभ की जब हम बात करते हैं तो महाराजा हर्षवर्धन के बगैर वह सब अधूरा माना जाता है। एक कन्नौज की ही धरती है, मां गंगा की ही कृपा है कि हर्षवर्धन को भी राजा के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य कन्नौज की धरती ने दिया और कन्नौज की धरती से उन्होंने देश के अंदर जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी थी वह सैकड़ों हजारों वर्ष पहले राम राज्य की अवधारणा को पूरा करता है। आज मैं कन्नौज में आया हूं तो महाराजा हर्षवर्धन के समय से प्रारंभ उस राम राज्य की अवधारणा को
आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम लला की मूर्ति की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करता हूं, अभी लोकसभा चुनाव को घोषणा होने में लगभग एक माह होगा, इस दौरान आप सुब्रत पाठक जी को, असीम अरुण जी को, अर्चना पांडे जी को, कैलाश राजपूत जी को और इन सभी पदाधिकारियों को पकड़ करके एक बार अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए जरूर आइए। कितने लोग अयोध्या जाना चाहते हैं? पूरा ही कन्नौज जाना चाहता है और हम लोग तैयार हैं आप सबका स्वागत करने के लिए। अयोध्या धाम में आपका स्वागत सरकार करेगी और मैं चाहूंगा कि उससे पहले अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के आगमन के पहले यहां पर यहां के माननीय सांसद माननीय विधायकों ने जो प्रयास किया है उसकी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज कन्नौज को प्राप्त हो रहा है, इसकी भी बधाई आप सबको दे दो। योग्य जनप्रतिनिधि हम सुनते हैं वो आपके सुख दुख में सहभागी बनता है। तो अब लेकर चलते हैं आपको दिल्ली। आपको बता दें कि खबर दिल्ली से है जहां पर एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। दरअसल आपको बताते चले कि भारत सरकार की एवं एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्था नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने अफ्रीकी क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर 2 सप्ताह का उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम पूरा किया। केंद्र द्वारा पहली बार आयोजित किए गए कार्यक्रम में 5 अफ्रीकी देशों इरिट्रिया, केन्या, इथियोपिया, तंजानिया और साथ ही आपको बता दें कि गाम्बिया के 34 वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। प्रतिभागियों में तमसीर एंड राष्ट्रपति सलाहकार, राष्ट्रपति कार्यालय, गाम्बिया सरकार समेत अन्य लोग भी शामिल हुए हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बेस्ट चैनल है श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरा खास मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी, प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं। प्लीज यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पाली में संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है जिसको लेकर पीएम मोदी ने जनसंवाद किया, लोगों को वीसी के माध्यम से संबोधित भी किया है। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। खेलों में हार तो कभी होती ही नहीं है, खेल में या तो आप जीतते हैं या तो खेल में आप सीखते हैं। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों के साथ ही उनके जो कोच वहां उपस्थित हैं, जो परिवारजन वहां मौजूद है, उन सभी को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सांसद खेल महाकुंभ उसमें जो उत्साह दिख रहा है, ये जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, आज हर खिलाड़ी की, हर युवा की पहचान
ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश बन चुका है। आज खेलों के लिए सरकार की भी वही स्पिरिट है जो मैदान पर खिलाड़ी की होती है। हमारे खिलाड़ी हमेशा से चाहते थे कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले, वो अपने गांवों में खेलें, अपने स्कूलों में खेलें, उन्हें यूनिवर्सिटीज में और फिर आगे नेशनल इंटरनेशनल खेलने का मौका मिले। खिलाड़ियों की इस भावना को आज भारतीय जनता पार्टी सांसद खेल महाकुंभ से बहुत मदद मिलती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात के लिए विशेष सराहना करूंगा कि वो अपने सांसदों के माध्यम से ऐसे खेल महाकुंभ करवा रही है और ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से अनवरत चला आ रहा है। बीजेपी सांसद खेल महाकुंभ ने जिलों में, राज्यों में लाखों लाख होनहार खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। ये खेल महाकुंभ नए खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का भी बड़ा माध्यम बन रहे हैं और अब तो भाजपा सांसद बेटियों के लिए भी विशेष खेल महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं भाजपा को, उनके सांसदों को इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए बधाई देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया है कि पाली में भी 1100 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों ने सांसद खेल महाकुंभ में हिस्सा लिया है। 2 लाख से ज्यादा खिलाड़ी खेलने के लिए आगे आए हैं। इन 2 लाख खिलाड़ियों को इस महाकुंभ के माध्यम से जो एक्सपोजर मिला है, अपनी प्रतिभा दिखाने का जो मौका मिला है, वो अभूतपूर्व है। मैं संसद में अपने सहयोगी पीपी चौधरी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया है। राजस्थान की वीर भूमि के युवाओं ने हमेशा ही सेना से लेकर खेलों तक देश की शान बढ़ाई है। मुझे विश्वास है कि आप सब खिलाड़ी इस विरासत को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि खेलों की सबसे अच्छी बात यह है कि जीत की आदत तो डालते ही हैं, पर ये आपको लगातार बेहतर बनने की सीख भी देते हैं। खेल सिखाता है कि सर्वश्रेष्ठ की कोई आखिरी सीमा नहीं होती है, हमें पूरी शक्ति से प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए ये खेल महाकुंभ एक तरह से आपके जीवन बदलने का बहुत बड़ा महायज्ञ भी है। साथियों, खेलों की एक बहुत बड़ी ताकत ये भी होती है कि खेल युवाओं को बहुत सी बुराइयों से बचाकर रखते हैं। खेलों में इच्छा शक्ति मजबूत होती है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारा फोकस क्लियर रहता है। चाहे ड्रग्स का जाल हो, दूसरे पदार्थों की लत हो, जो खिलाड़ी हैं वो इन सब से दूर रहता है। इसलिए खेल व्यक्तित्व के विकास में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बीजेपी सरकार चाहे राज्य में हो या फिर केंद्र में, युवा हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके देने से, खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता आने से, सरकार द्वारा हर संसाधन उपलब्ध कराने से भारत के खिलाड़ियों को बहुत मदद मिली है। हमने पीछे 10 साल में
खेलों का बजट पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ा दिया है। सैकड़ों एथलीट्स आज टॉप स्कीम के तहत देश विदेश में ट्रेनिंग और कोचिंग ले रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स के तहत भी 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों को 50,000 रुपये महीने की मदद दी जा रही है। ग्रास रूट लेवल पर करीब करीब 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स में लाखों खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसके परिणाम हमारे सामने हैं। इस बार एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में बड़ी संख्या में खेलो इंडिया गेम्स से निकले खिलाड़ियों की भी उपस्थिति दर्ज हुई है। मेरे प्यारे खिलाड़ियों, खिलाड़ी जब किसी टीम से खेलता है तो व्यक्तिगत लक्ष्यों से ज्यादा प्राथमिकता अपनी टीम के लक्ष्यों को देता है। वो अपनी टीम, अपने प्रदेश, अपने देश के लक्ष्यों के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलता है। आज अमृत काल में देश भी इसी युवा भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी 1 तारीख को जो बजट आया है वो भी एक तरह से देश के युवाओं को ही समर्पित है। सरकार जो रेल रोड पर आधुनिक इंफ्रा 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी तो युवा ही होंगे। अच्छी सड़कों की सबसे ज्यादा ख्वाहिश किसे होती है? हमारे युवा को। नई वंदे भारत ट्रेनों को देखकर कौन सबसे ज्यादा खुश होता है? हमारा नौजवान, हमारे युवा। बजट में जो 40,000 वंदे भारत जैसे डिब्बे बनाने का ऐलान हुआ है उसका फायदा किसे मिलेगा? हमारे युवाओं को। भारत आधुनिक इंफ्रा पर जो 11 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रहा है उसमें युवाओं के लिए ही सबसे ज्यादा रोजगार के नए मौके बनेंगे। भारत के युवा नई नई खोज कर सके, खेल हो या दूसरे क्षेत्र हो, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना सके, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट का विस्तार भी ऐलान किया है। साथ ही चौतरफा हो रहे विकास कार्यों ने पाली के भाग्य को भी बदला है, पाली की तस्वीर भी बदली है। आपके पाली लोकसभा में ही करीब 13,000 करोड़ की लागत की सड़कें बनी है। रेलवे स्टेशन का विकास हो, रेलवे ब्रिज हो, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, ऐसे अनेक विकास कार्यों का लाभ आप सभी को मिल रहा है। सरकार का ध्यान पाली के विद्यार्थी और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने पर भी है, उनके कौशल विकास पर भी है। पाली में कई नए आईटी सेंटर बनाए गए हैं, 2 केंद्रीय विद्यालय भी खोले गए हैं। सरकारी विद्यालयों में नए कमरे बनवाना हो, नई कंप्यूटर लैब्स का निर्माण हो, हर दिशा में पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहां मेडिकल कॉलेज बनने से, पासपोर्ट केंद्र बनने से, गांवों में सौर ऊर्जा लाइटिंग लगने से पाली के लोगों का जीवन और आसान हुआ है। हमारी कोशिश है कि डबल इंजन सरकार में पाली समेत पूरे राजस्थान का हर नागरिक सशक्त बने, सफल बने। बीजेपी सरकार के इन प्रयासों से पाली और इस पूरे क्षेत्र के युवाओं का जीवन भी आसान बन रहा है। और जब जीवन से मुश्किलें कम होती हैं तो खेल में मन भी लगता है, जीतने की संभावना भी बढ़ती है। मैं एक बार फिर सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।